सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी को और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो एवरीवन, मैं शिवम कनौजी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के एडमिशंस को लेकर के, यानी कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी इस पर बात करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि 20 तारीख को आरसीआई का जो पोर्टल था, एडमिशन का पोर्टल था, वो बंद किया जा चुका है और अब कब तक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, क्योंकि आज 28 तारीख हो चुकी है और थोड़ी ही देर पहले जब मैंने अपने आरसीआई की जो साइट पे नया सर्कुलर आया था WHO के 50 CRE पॉइंट्स को लेकर के, तो वहाँ पर आपके ढेरों कमेंट्स देख करके मुझे आप वीडियो मजबूरन बनानी पड़ी, क्योंकि वीडियो जो थी उसके बाद में आप लोगों के जो कमेंट्स थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, और लगभग सभी का एक ही कमेंट था कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी, क्योंकि सभी अभ्यर्थी 8 दिन हो गए हैं और सभी अभ्यर्थी परेशान हैं कि मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो इस मंथ में 2 या 3 दिन का समय बचा है और संभवतः इस मंथ में ही आपकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी। कारण है देरी क्यों हो रही है, क्योंकि सैटरडे और संडे जो था वह आरसीआई ऑफ थी, उसके पहले जो मेन काम चल रहा था एग्जामिनेशंस को लेकर के चल रहा था, और एग्जामिनेशन का जैसे ही सर्कुलर ख़त्म हुआ उसके बाद में जो आज आरसीआई का 50 सीआरई पॉइंट्स को लेकर के जो मेन मुद्दा, जो फैसला आया, और इसी बीच जो वर्क चल रहा है वो मेरिट लिस्ट पर भी काम चल रहा है, यानी कि आप सभी ने 3-3 कॉलेजेस अपने भरे हैं और लगभग सभी ने अदर अदर जो कॉलेजेस हैं सभी ने एक समान कॉलेजेस नहीं भरे, और वहाँ पर SC ST OBC PH कैटेगरी और जितनी भी कैटेगरियाँ हैं इनको अलग करना, छाँटना, और जितनी भी मेरिट लिस्ट है सबको एक तरफ से स्कूल को डिवाइड करके स्कूल को देना, इसमें काफ़ी सारा समय लगता है और काफ़ी सारे इस बार फॉर्म्स भी डीएड स्पेशल एजुकेशन में पड़े हैं। तो ये मान के चलिए इन सब पे काम चल रहा है और संभवतः आपकी जो मेरिट लिस्ट है 2 से 3 दिनों में जारी हो जाएगी, ये मान के चलिए। और जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होगी हमारा चैनल आपको जानकारी प्रोवाइड करा देगा कि मेरिट लिस्ट आ चुकी है, और जिस प्रकार से उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर मांग किया, जिस प्रकार से भी आगे की प्रोसीजर होगी वो आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपको काउंसलिंग कराने का पूरा मौका दिया जाएगा, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको 4 से 5 दिन का मौका मिलेगा, सेकंड और थर्ड काउंसलिंग में भी आपको 4 से 5 दिन का लगभग समय मिलेगा कि आप विद्यालय में जाकर के जहाँ पर भी आपको एडमिशन कराना है वहाँ पर आप अपनी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जैसे ही कोई जानकारी निकल के आती है आपको ज़रूर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे थे तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेगी, और दोस्तों के पास जो अभ्यर्थी परेशान हो उसके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और समझा दीजिएगा कि परेशान बिल्कुल भी ना हो। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जैसे ही एडमिशन की प्रोसेस, मेरिट लिस्ट को लेकर के जैसे ही कोई जानकारी निकलती है आपको चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।